तो यहाँ पर हम एक लैपटॉप का रिव्यू छोटा सा करने वाले हैं जो कि मैंने अभी परचेज किया है। आप लोग देख सकते हो डेल की मशीन है और ये है हमारे पास i5 8 जनरेशन और इसकी लुक का आप देख सकते हो ब्रांड न्यू, बिल्कुल कोई यहाँ पे गिरने की या कोई खराश वगैरह की यहाँ पे निशान नहीं है और यहाँ पे हमारे पास फिंगरप्रिंट में आता है। अच्छा, इसका मॉडल बताता जाऊँ, मॉडल यहाँ पे नीचे बैक साइड पे लिखा हुआ है लैटिट्यूड 5300 2-in-1। टू इन वन में क्या है कि ये आपको टैब भी देखने को मिल जाता है और 360 रोटेट भी हो जाता है। यहाँ पे इसमें फेस लॉक है और यहाँ पे गेम्स वगैरह और मैं बाकी इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास टच स्क्रीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टच है, डेल का है। इसमें आपको 16 GB रैम मिल जाती है और इसके अंदर और आपको मिलती है SSD, आप जितनी मर्जी लगवाना चाहो। और बैटरी बैकअप यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 3 घंटे हो गए और 43% हो गई है। तकरीबन ये आपके पास 4 घंटे यहाँ पे बैटरी बैकअप दे रही है अभी के लिए। और इसके अंदर जो है आपको इसकी डिटेल चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप इसका प्रोसेसर वगैरह यहाँ पे चीजें देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे सही से नजर आ रही हो तो। इसमें 1.16 शो करवा रहा है और टर्बो के साथ यहाँ पे 1.90 तक जा रहा है और 16 GB रैम लगी हुई है। विंडो 10 है, डेल्टा X12। बाकी इसमें ये चीजें भी आप देख सकते हो, यहाँ पे CPU लगा हुआ है i5 8 जनरेशन और उसके बाद 16 GB रैम लगी हुई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे SSD लगी हुई है सैमसंग की और उसके साथ Wi-Fi और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आपको यहाँ पे तकरीबन 1 GB का मिल जाता है जो कि शेयरिंग करके यहाँ पे आपको 8 GB तक नजर आ रहा होगा। और इसकी बात करें यहाँ पे इस साइड पे आप लोग देख सकते हो एक यहाँ पे आपको USB पिन और उसके साथ मेमोरी कार्ड, हेडफोन जैक और सेम इसी तरह इस साइड पे आपको जो है नॉर्मल चार्जर पोर्ट, सी टाइप, HDMI और USB, ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। काफी अच्छी मशीन है, काफी मैंने 3-4 दिन जो है सर्चिंग करने के बाद जाके ये मैंने ली है। तो ये मैंने टच में ली है ताकि मुझे जो है टैबलेट वगैरह अलग से परचेज ना करना पड़े या जो आप ड्राइंग वगैरह करते हो उसके लिए ही मैं इसको यूज करूं। इसके ऊपर ही आप इसमें ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हो और इसी को ही आप फोटोशॉप में बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके अंदर ये लैपटॉप मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोग भी लेना चाह रहे हो, तकरीबन ये मुझे तकरीबन मिला है 60 के करीब मिल गया है। और इसके अंदर जो है आपको रैम जो है अपग्रेडेबल मिल जाती है, मतलब इसमें रैम जो है चेंज करवा सकते हो। लेकिन आपको टच में 360 में यही मॉडल में और भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर जो है आपको रैम जो है आप एक्सचेंज नहीं कर सकते या उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। उसके मदरबोर्ड के साथ फिक्स रैम होती है जैसे मोबाइल वगैरह की होती है, लेकिन इसकी फिक्स नहीं है, इसकी आप जो है अपग्रेड करवा सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।